अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज के इस वीडियो के अंदर एक बिजनेस कार्ड दोबारा से स्टार्ट करेंगे अपना। जो पिछली बार हमने जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर दो वीडियो बनाई थी मैंने, एक फ्रंट वाली बनाई थी, एक बैक वाली बनाई थी। अगर आपने वो नहीं देखे तो चैनल पर विजिट करें और जाके आप देख लीजिए मेरी वाली वीडियो, क्योंकि मैंने उसके अंदर आपको बताया कि बिजनेस कार्ड सिंपल कैसे बनेगा। और आज हम दूसरा बिजनेस कार्ड बनाने वाले अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, और आइए कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ते हैं। बट उससे पहले आपको एक स्क्रीन शॉट यहाँ पर नजर आ जाएगा, इस पर मैंने 2 सब्सक्राइबर दिया। अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को फुल वॉच कर एक कमेंट कर देना हमारे लिए, ताकि हम आपका नोटिफिकेशन मतलब कमेंट देखें और आपको 2 सब्सक्राइबर फ्री में दे दें। करें चलिए फटाफट से कर लें सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर कमेंट जो भी करना है आपको, फुल वीडियो करके सब कुछ कर रहे हैं। तो पढ़ते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, और स्क्रीन ऑन होने के बाद आपको सिखाते हैं बिजनेस कार्ड। तो आ जाइए फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो गाइस मैं यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ, और यहाँ से अपना डिजाइन स्टार्ट कर लेता हूँ। ये मेरा रफ डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बिजनेस कार्ड बनाना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले इंचेस के अंदर कर लेता हूँ, कंट्रोल आर के लिए क्लिक कर दिया, एंड यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ इंचेस के अंदर, और यहाँ से 3.5 एंड कंट्रोल ए स्पेस बार एंड 2, ये मैंने इसका दे दिया है साइज, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद क्या करूँगा, इसको उठाकर मैं रखूँगा यहाँ पर, एंड यहाँ से मैं इसको कर लूँगा कंट्रोल आर क्लिक करके वापसी से, जो हमारे रूलर्स हैं ये वापसी चले जाएंगे। और गाइस इसके बाद क्या करना है, इसके बाद बहुत सिंपल से काम है, वो आपको अप्लाई करना है अपने बिजनेस कार्ड के अंदर। सबसे पहले मैं यहाँ से जूम टूल ले लेता हूँ, ताकि मैं इसके बिल्कुल करीब हो जाऊँ। इस तरीके से मैंने इसको जूम कर लिया, एंड यहाँ से मैं इसका कलर स्ट्रोक जो है नन कर दूंगा, एंड ये जो कलर है मैं यहाँ से इसके अंदर ब्लू कलर अप्लाई कर दूंगा कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं। गाइस ये मैंने अप्लाई कर दिया है इसके अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू कलर मैंने इसके अंदर अप्लाई कर दिया है। लेकिन इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें सबसे पहले इसको लॉक कर देना कंट्रोल 2 क्लिक करके, एंड यहाँ पर हमें बनाने ला है एक रेक्टेंगल इतना। यह बनाने के बाद मैंने इसके अंदर ये वाला कलर अप्लाई कर दिया है, एंड यहाँ से मैं इसको ले लूँगा यहाँ से पेन टूल एंड एंकर पॉइंट वाला, एंड ये जो बिल्कुल इसका सेंटर है यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लगा दिया है, और इसी के अंदर एंकर पॉइंट दिख रहा है आपको, ये सिलेक्ट करके कुछ इस तरीके से इसको बना देना है, जिस तरीके का आप बनाना चाहें इस तरीके का आप बनाएं। एंड इसके अंदर कलर अप्लाई करते हैं, जैसे ये मैंने दे दिया इसके अंदर कलर, और यहाँ से मैंने कलर इसका वाइट कर दिया है, एंड यहाँ से मैंने इसका स्ट्रोक नन कर दिया है, लेकिन मुझे कलर ये वाला करना है, और ऑल कंट्रोल 2 क्लिक करके मैं कलर इसके अंदर जो है वाइट कर दूंगा, वाइट नहीं तो फिर थोड़ा सा इस टाइप का कर देता है। तो इसके बाद इसके हम ले लेंगे कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ से कॉपी, एंड यहाँ पर हम इसके अंदर RGB इसके अंदर जाके इससे थोड़ा सा लाइट कर देंगे कलर इसका, पहले इसको सिलेक्ट कर लें, एंड अब जाएं और इसको थोड़ा सा लाइट कर दें। तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएं इस तरीके से शिफ्ट के साथ, एंड इसको आप कर दें अरेंज सेंड टू बैकवर्ड, ठीक है गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसको आप थोड़ा सा आप कर लें रोटेट इस तरीके से, हमने कर लिया इसको रोटेट। लेकिन एक बात और, पीछे वाला कर लेंगे तो बेटर रहेगा आप सबके लिए, क्योंकि पीछे वाला ही ज़्यादा सही लगता है। और यहाँ पर हमने इसको रोटेट कर लिया है, और इसको थोड़ा सा अगर मैं आगे ले जाऊँगा तो ये इस तरीके का दिखेगा, बट इस तरीके से सही है। इसके बाद हम इसको क्रॉप कर देंगे, अगर हमें करना हो यहाँ से हम पूरा सिलेक्ट करेंगे, एंड यहाँ से ले लेंगे शेप बिल्डर टूल, सबसे पहले हम इसको इस तरीके से रख देते हैं, एंड पूरा सिलेक्ट करा हुआ हमने यहाँ से हम ले लेंगे इसके अंदर शेप बिल्डर टूल, एंड यहाँ पर माइनस कर देंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले पूरा सिलेक्ट होना चाहिए, फिर आप शेप बिल्डर टूल लें और यहाँ पर बाहर की साइड ऑल्ट के साथ आप क्लिक कर दें, तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है गाइस। इतना हमारा बिजनेस कार्ड के अंदर हो चुका है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सिंपल आपको एक काम करना है इसके अंदर, सबसे पहले आपको इसका कलर जो है ये चेंज कर देना होगा, अगर आप चाहें तो कलर चेंज करें, वरना फिर सबसे पहले इसको लॉक कर दें, एंड यहाँ से आप ले लें राउंडेड रेक्टेंगल टूल, एंड यहाँ से आप इसको कुछ इस तरीके से बना लें। बनाने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है, एंड इन सबको आप कुछ इस तरीके से आगे की तरफ कर दें अप्लाई। इतना करने के बाद आप यहाँ पर टेक्स्ट लिख दें लोगो, यहाँ पर हमें लगाना है लोगो, लेकिन मेरे पास लोगो है ही नहीं कोई, तो सिंपल लोगो लगाना है, आपके पास है तो आप लगा सकते हैं, वरना फिर यहाँ पर मैंने सिंपल आपको लोगो लिख के दे दिया है, लेकिन मैं इसका सिंपल वाला डाल देता हूँ कुछ इस तरीके का, मैंने ये पे लिख दिया है। एंड इन दोनों को सबसे पहले मैं अलाइन कर लूँगा,
एंड सिलेक्शन पे करना है अलाइन, और यहाँ से मैंने इसको कर लिया है अलाइन। एंड ये जो बाहर वाला जो हमारे पास है इसको मैं कर लूंगा थोड़ा सा छोटा, ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ मैं इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा छोटा। वैस दोनों को सिलेक्ट कर लें एंड यहाँ पर ला के रखें आपको जिस तरीके से, लेकिन इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें इस तरीके से करना है। इस वाले शेप को सिलेक्ट कर लें एंड यहाँ पर आप ऑल्ट के साथ क्लिक करें ताकि दोनों साइड से बड़ा हो, एंड ये बड़ा हो चुका है। एंड इसको भी आप अगर बड़ा करना चाहें तो बड़ा कर दें इस तरीके से, ये भी बड़ा हो जाएगा। इसके बाद क्या सिंपल आपको काम करना होगा, सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ से वाइट कलर इसके अंदर अप्लाई कर देना है। और सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड बना लेता हूँ एंड बैकग्राउंड में बना लेता हूँ तकरीबन ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर में इसके अंदर अप्लाई करूँगा एंड डार्क ब्लैक, मैंने यहाँ से इसका कलर डार्क ब्लैक कर दिया है। इसके बाद इसको सिलेक्ट करके यहाँ से मैं कर लूँगा ट्रांसफॉर्म एंड सेंड टू अरेंज सेंड टू बैक। इसके बाद यहाँ पर आप हमारा लोगो देख सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको कर लूँगा कंट्रोल टू से लॉक एंड कंट्रोल ए क्लिक करके मैं इसको यहाँ पर रख दूंगा। इसके बाद जेड क्लिक करूँगा मैं और इसके बिल्कुल सामने आ जाऊँगा। इसके बाद टाइप टूल ले लूँगा एंड यहाँ पर मैं अपना जो भी नाम है बिजनेस कार्ड का वो लिख दूंगा। जैसे मिसाल के तौर पर मेरा बिजनेस कार्ड का नाम है मैंने लिखा है शैन प्रोजेक्ट ट्रैफिक, ठीक है। आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन मैं यहाँ पर ला के रखूँ तो आपको लाजमी नज़र आएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं ला के रख दिया है। इसके अंदर अगर आप चेंजिंग करना चाहें तो ऑल्ट के साथ एक इसकी कॉपी ले लें सबसे पहले तो ऊपर की तरफ, ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ ताकि लाइन में आ जाए बिल्कुल। एंड यहाँ से आप लें टाइप टूल एंड यहाँ पर डबल क्लिक करें, यहाँ से आप चेंजिंग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं इसको बैक स्पेस कर रहा हूँ एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रॉपर्टी नेम, यहाँ पर मैंने लिख दिया है प्रॉपर्टी नेम शैन प्रोजेक्ट ग्राफिक एंड यहाँ पर हमारा लोगो आ जाएगा। कोई हो तो आपका लोगो यहाँ पर आप लगा सकते हैं एंड इसको थोड़ा सा आप नीचे की साइड कर लें और इसको दोनों को सिलेक्ट करें एंड इसको भी आप थोड़ा सा नीचे की तरफ लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आ जाएं आप यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप टैक्स लिखना चाहें अपना, जैसे ईमेल होता है, नंबर वंबर जो भी होता है आपके पास वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैं एक नंबर लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि एक ये नंबर है हमारे पास और मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है। अब यहाँ पर मुझे सिंपल इसके अंदर वो भी लगाना होगा आइकन्स, लेकिन मेरे पास आइकन है नहीं। सिंपल आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में डाउनलोड हो जाएंगे। आप क्रोम पे जाएं और क्रोम गूगल जो भी आपके पास जो भी ब्राउज़र है उसके अंदर जाएं, आप सर्च करें जो भी आपको आइकन चाहिए उसका नाम लिखें एंड फ्री लिख दें, आ जाएगा आपके सामने फ्री वाला और वो आप डाउनलोड कर लें। मिसाल के तौर पर मेरे पास है नहीं तो मैं ये एलिप्स बना रहा हूँ, ठीक है। एलिप्स मैंने बना दिया है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का मैंने एलिप्स ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ इस तरफ एंड ये मेरा हो चुका है। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ क्लिक करके मैं इसकी एक कॉपी ले लूँगा एंड इसको मैं थोड़ा सा ले आऊँगा नीचे की तरफ और यहाँ पर मैं लिख दूंगा मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे अपना वो क्या नाम है एड्रेस, एड्रेस लिख दें या फिर आप लोकेशन लिख दें या फिर अपनी वेबसाइट का नाम लिख दें जो भी आपका, एनीवेज वेबसाइट जैसे लगा लें, ईमेल लगा लें सबसे पहले, ठीक है। शैन प्रोजेक्ट ए gmail.com, ठीक है गाइस। ये मैंने लिखा है और ये बहुत बड़ा है, ठीक है। तो सिंपल आप इसको छोटा कर लें, ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ मैंने इसको इतना बड़ा कर लिया है एंड यहाँ पर लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया कुछ इस तरीके से, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद अगर आपके पास और चीज़ें हैं, जैसे कि मेरे पास चैनल का नाम है कंट्रोल सी एन कंट्रोल एफ करके मैंने इसकी एक कॉपी ले ली है, ठीक है। इसकी भी एक कॉपी ले लूँगा कंट्रोल सी एन कंट्रोल एफ क्लिक करके और इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले आऊँगा। अब मिसाल के तौर पर मैंने इसकी कॉपी क्यों ली है, ताकि मैं इसी के अंदर चेंजिंग करना चाहूँ तो चेंजिंग कर सकूँ। ये देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर इसको रिमूव कर दिया एंड अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ जैसे मैंने अपने चैनल का नाम यहाँ पर टाइप कर दिया है एंड इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ अपनी अपने हिसाब से और यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा छोटा सा प्रोसेस था इस डिज़ाइन का, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप इवन जो आपका दिल चाहे वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा है, यहाँ पर आप अपना कोई भी इमेज लगा सकते हैं। एनीवेज आपका जो काम है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको लगा कर दिखा देता हूँ अगर मेरे पास इमेज होगी तो,
वरना फिर कोई इतना बड़ा मसला है नहीं। जैसे मैंने अपना नीचे नाम लिखा, तो आप यहाँ पर भी अपना नाम लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, और बहुत सारी जगह हैं यहाँ पर अभी लिखने के लिए, तो फिल करना चाहे तो फिल कर सकते हैं, वरना फिर छोड़ें ऐसी। और इसके बाद अपन को क्या करना है, इसके बाद अपन इन सबको अब एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा डिज़ाइन जो है ये रेडी हो चुका है। सबसे पहले इसको कंट्रोल टू क्लिक करके लॉक कर लेते हैं, एंड इस सबको सिलेक्ट करते हैं और इसको थोड़ा सा इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हम कुछ लिखते हैं, तो लिखने के लिए यहाँ पर आप अपने मुताबिक कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिख देता हूँ आई आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर, आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर, आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया छोटा सा आप सबके लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कुछ और लिखना चाहें, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ क्लिक करके इसकी कॉपी ले लें, यहाँ पर नीचे रखें, एंड यहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ पे ये कर दें। और यहाँ पर अगर आप कुछ लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, जैसे फ्री कोर्स लिख देता हूँ, एफ आर डबल फ्री कोर्स, COURES कोर्स, फ्री कोर्स भी लिख दिया मैंने, एंड इसका थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ फाउंड, और इसको मैं लग देता हूँ यहाँ पर, और इसका साइज थोड़ा सा छोटा भी करना पड़ेगा क्योंकि अब बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। अब कोर्स के अंदर मैं क्या क्या कराता हूँ, एलिस्ट्रेटर है, बिजनेस एलिस्ट्रेटर का तो अभी सारा टॉपिक ही चल रहा है मेरा, तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ, इसके नीचे और लिख देता हूँ फ्री कोर्स, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एलिस्ट्रेटर, एलिस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर। तो गाइस मैंने यहाँ पर लिख दिया है एलिस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर, एंड यहाँ पर मैं इसका थोड़ा सा फाउंड और बढ़ा लूंगा, और यहाँ पर मैंने इसको बढ़ा लिया है। ठीक है गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके का ये डिज़ाइन जो है क्रिएट कर लिया है, एंड अगर आपको पसंद आ रहा है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं दूसरा डिज़ाइन बनाऊंगा, इसी का जो हमारा रह गया है वो मैं इसका डिज़ाइन बनाऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट अभी वीडियो लंबी हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका सेकंड पार्ट मतलब दूसरी साइड लेके आएंगे, और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक लाजमी कर दिएगा, ओके। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।